सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पर। जैसा कि आपको पता है, वीडियो लेट आई, लेकिन गाइज आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल आई है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्योंकि गाइज आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है अपनी मूवमेंट स्पीड को बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर आपका मूवमेंट अच्छा है ना, तो सामने अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को भी हरा सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोग को चार ट्रिक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है कि चारों ट्रिक को ध्यान से समझ लेना है और गेम पे जाके स्टेप बाय स्टेप चारों ट्रिक को प्रैक्टिस करना है। आई होप कि जब आप चारों ट्रिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका भी मूवमेंट एक हाई लेवल पे चला जाएगा। इसलिए वीडियो को मिस मत करना, चारों ट्रिक को ध्यान से समझ लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना है, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस हमारी जो पहली स्टेप है वो है गाइस मूवमेंट स्पीड बेसिक सेटिंग। यहाँ पर सबसे पहले मूवमेंट स्पीड के लिए कस्टम एचयूडी की सेटिंग बता देता हूँ। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि बार बार कस्टम एचयूडी को चेंज करते रहते हैं, कभी टू फिंगर, कभी थ्री फिंगर, कभी फाइव बटन को छोटा कर दिया, कभी बड़ा कर दिया। तो ऐसा करोगे तो आपका ना ही मूवमेंट बढ़ेगा और ना ही हेडशॉट लगेगा। तो आप लोगों से यही बोलूंगा कि आपको एक परमानेंट कस्टम एचयूडी बना लेना है, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं करना, तभी आपका धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगा और हेडशॉट लगने लगेगा। तो चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी पहली स्टेप। अब बढ़ जाते हैं हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर। अब गाइज हमारी जो दूसरी स्टेप है वो है गाइज जिगजैग मूवमेंट ट्रिक। अब जान लो कि जिगजैग मूवमेंट होता क्या है। जिगजैग मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इस तरीके से स्क्रीन को इधर उधर कर देना, ठीक है, ये नहीं होता गाइज जिगजैग मूवमेंट ट्रिक। मैं आपको बताता हूँ कि जिगजैग मूवमेंट होता क्या है और कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं जिगजैग मूवमेंट ट्रिक ही अप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, सबसे पहले जैसे ही मुझे एनिमी दिखता है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट की ओर जाऊँगा। उसको लगेगा कि लेफ्ट की ओर जा रहा है और वो फायर करेगा। यहाँ पर देखो जैसे ही मैं लेफ्ट की ओर गया वो फायर करा, ठीक है। जैसे ही वो फायर करा उसी टाइम पे मैं क्या करूँगा, राइट साइड चला जाऊँगा। राइट साइड जा करके जंप करा और इजीली उसको वन टैप या फिर भाई पूरा ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। इजीली मैं यहाँ पर देखो वन टैप लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से भाई जिगजैग मूवमेंट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ करा। पहले क्या करा, लेफ्ट की ओर गया, उसको लगा कि भाई लेफ्ट की ओर जा रहा है बंदा और वो फायर करा। उसी टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड जंप करके इजीली उसको वन टैप लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो भाई लोग अब बढ़ जाते हैं तीसरे स्टेप की ओर। अब गाइस हमारी जो तीसरी स्टेप है यानी कि तीसरी ट्रिक है वो है गाइस कंफ्यूज द एनिमी, यानी कि एनिमी को कंफ्यूज करना, भ्रमित करना। सॉरी, भ्रमित तो ज्यादा हिंदी हो गया, आप लोग को इंग्लिश में ही समझ में आ जाता है, ठीक है। कंफ्यूज करना यानी कि कैसे कंफ्यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, वहाँ पे सामने देखो ग्लू वॉल के पीछे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। अब भाई मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट रश नहीं करूँगा, पहले क्या करूँगा एक ग्लू वॉल लगाऊंगा, और ग्लू वॉल भी बीच में नहीं, उसके जहाँ खड़े रहते हैं ना हमेशा बंदा, उसके आगे लगाऊंगा। और मैं लेफ्ट से ना जा करके राइट साइड से जल्दी से जाकर वन टैप लगाऊंगा। अभी भी देखो वो लेफ्ट साइड से आ रहा है करके वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और मैं उसको नहीं पता कि मैं राइट साइड से मार दिया, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज करना एनिमी को, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ, वो भी गाइस हैंडकैम के साथ दिखाता हूँ, इस बार और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं हैंडकैम के साथ दिखा रहा हूँ। पहले क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड जाते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे हम लोग को राइट साइड जाना होता है, ठीक है। उसको लगा, कंफ्यूज हुआ वो बंदा, ठीक है, वो लगेगा कि भाई लेफ्ट साइड से मार रहा है, लेफ्ट साइड देखने के पहले हम लोग मार देंगे राइट साइड से। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब भी गाइस एक बार हैंडकैम में देख लो फास्टली तरीके से कितनी तेजी से मैं लेफ्ट राइट होके वन टैप मारा, बहुत ही तेजी से, सामने वाले को समझ नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी मार सकते हो। आई होप आप लोग को ये भी स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ जाते हैं अपनी लास्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर। अब गाइस हमारी जो चौथी स्टेप यानी कि चौथी ट्रिक है वो गाइस विंडो टू विंडो प्रैक्टिस फॉर हाई मूवमेंट। अब जान लो हाई मूवमेंट के लिए आप लोग को विंडो टू विंडो आखिर है क्या, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कस्टम एचयूडी पर क्लिक करना कितना स्पीड से कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा, यानी कि हर फिंगर, आपका जो फिंगर है वो क्लिक कितना स्पीड से कर सकता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस बड़े वाले खिड़की पे इस तरीके से करना जैसे अभी कर रहा हूँ। जब आप इसको आप फास्ट तरीके से कर लो ना, उसके बाद जाना इस छोटे वाले खिड़की पे। अगर इस छोटे वाले खिड़की पर ना 10 बार आप लोग कर लेते हो तो भाई आपका फिंगर अच्छा काम कर रहा है, मतलब कि अच्छा क्लिक कर ले रहे हो, मतलब बहुत फास्टली तरीके से, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इस ट्रिक को आप लोग एक बार करके देखना, ठीक है, विंडो टू विंडो एक बार करके देखना। बहुत सारे बंदे नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, ठीक है। आई होप गाइस ये भी स्टेप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब गाइस बहुत सारे बंदे ये भी पूछते हैं कि भाई सेंसिटिविटी कितनी रखनी चाहिए, तो लास्ट में आप लोगों को सेंसिटिविटी बता देता हूँ। यहाँ पे गाइस मेरा देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, मैं 100 to 100 रखता हूँ, इधर उधर छेड़खानी करता ही नहीं, ठीक है।
तो मैं आप लोगों से भी यही सजेस्ट करूंगा कि 100-100 रख लो, क्योंकि 100-100 रखोगे तो जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा ना उतना अच्छा आप लोगों का मूवमेंट होगा और उतना अच्छा आप लोगों का वन टैप लगेगा। बसरते गाइस आप लोग को आदत बनानी पड़ेगी अगर अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस सब के पीछे बहुत मेहनत लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना यार, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।